दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी एंड इनिशियल फेज एंड द टाइम पीरियड ऑल्सो सो वन बाय वन वी विल फाइंड ऑल द वैल्यूज सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इक्वेशन वेयर इट इज द रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट दिस इज रिप्रेजेंट amplitude that is called the omega omega is called the angular velocity that is called the phase and that is called the instant of time so ye complete data aap dekh rahe hain yahan pe given de rakha hai so first of all we will find all the values but we will compare the given equation with respect to this equation so as I told you this is the amplitude that is called the angular velocity instant of time and this is the phase and you will compare both the equation सो इट वुड बी वेरी इजी टू फाइंड ऑल द पैरामीटर्स सो देखिए पहला मीटर्स हमसे बोला गया था हम एम्पलीट्यूड फाइंड करें सो हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो जो वैल्यू ऑफ ए आपको दिख रहा है यहाँ पे वो 10 है तो एम्पलीट्यूड 10 मीटर हो जाएगा इट्स वेरी इजी नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ये रहा ओमेगा यू कैन सी दैट सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी या वेलोसिटी हमें मिलेगा यहाँ से 20 रेडियन पर सेकेंड Now we have to find the frequency and before finding the frequency आपको formula पता होना चाहिए omega equals to 2 pi nu और आपको nu निकालना है ये frequency है so देखिए 2 pi divide में ले जाइए तो formula कुछ ऐसा बन जाएगा omega already आपके पास 20 है सामने देख सकते हैं आप 2 pi जैसे आप calculate करेंगे तो यहाँ से आपको frequency जो मिलेगा 3.18 hertz now you have to find the time period and formula of the time period is omega is equal to 2 pi upon t एंड यू रिक्वायर्ड द टी दैट इज द टाइम पीरियड टी ऊपर ले जाए और ओमेगा नीचे कर दीजिए सो दिस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 20 सो यू विल कैलकुलेट टाइम पीरियड 314 पर सेकेंड पॉइंट में अब हमें इनिशियल फेज निकालना था इसका इनिशियल फेज देखिए फिर से ये फाइव जो होता है इनिशियल फेज होता है जो 0.5 है जो रेडियन के फॉर्म में होता है तो इनिशियल फेज हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 रेडियन